गुजरात में विधानसभा चुनाव है और इस बार कांग्रेस बीजेपी के अलावे आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में। आरोप प्रत्यारोप के बीच में चुनाव से पहले एक बार फिर से अर्बन नक्सल शब्द लौट आया है, लेकिन सवाल ये कि पीएम मोदी बार बार आपको अर्बन नक्सल क्यों कहते हैं। जब यही सवाल आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा से पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले वो सुन लीजिए। देखिए, मुझे याद आता है शायद 10 जनवरी की वो तारीख थी, 10 जनवरी 2015 की, अगर मेरी याददाश्त मेरा साथ दे रही है। दिल्ली के बहुत बड़े रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री जी ने एक रैली को संबोधित करते हुए दिल्ली चुनाव से पहले यही शब्द का प्रयोग करते हुए कहा था कि ये लोग अर्बन नक्सल हैं, नक्सलवादी हैं, इन्हें जंगल में चले जाना चाहिए। दिल्ली के लोगों ने 10 जनवरी 2015 के एक महीने बाद, जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ, अपने वोट की ताकत से बताया कि किसको दिल्ली सचिवालय जाकर सरकार चलानी चाहिए और किसको जंगल में चले जाना चाहिए। ये जवाब जनता देती है। आज अरविंद केजरीवाल जी को न जाने क्या क्या गालियां दी जा रही हैं, बीजेपी के लोग उनके परिवार को गालियां दे रहे हैं, उन पे निजी हमले कर रहे हैं, नक्सली कह रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं, भगवान जाने क्या क्या कह रहे हैं। हम इस गाली गलौच में, इस गंदी राजनीति में नहीं पड़ना चाहते। आप हमें गाली दोगे, हम कहेंगे मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। आप हमें नक्सली कहोगे, हम बोलेंगे हम गुजरात के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। आप हमें और गालियां दोगे, हम गुजरात के लोगों को मुफ्त बिजली देंगे। हम अपने काम पर, हम अपने एजेंडे पे चलेंगे, आप अपने एजेंडे पे चलो। राघव चड्ढा का कहना है कि बीजेपी बार बार अर्बन नक्सल का उपयोग करती है, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल से डर गई है बीजेपी, अब गाली ग्लॉस पर उतर आई है। लेकिन बीजेपी को याद होगा कि साल 2015 में भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में ऐसे ही अर्बन नक्सल कह रही थी। ठीक एक महीने बाद ही दिल्ली की जनता ने बता दिया कि किसे जंगल में जाना है और किसे दिल्ली में रहना है। हालांकि राघव चड्ढा से पहले गुजरात दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरूच के आमोद में जनसभा को संबोधित करते हुए अर्बन नक्सलवाद पर प्रहार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए कपड़ों में नक्सलवादी गुजरात में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम ने लोगों को चेताते हुए कहा कि देश के कई राज्यों में नक्सलवाद ने आदिवासी लोगों के साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन गुजरात में कभी नक्सली घुस नहीं पाएंगे। पीएम मोदी ने एक बार फिर से नए कपड़ों में ये अर्बन नक्सल गुजरात में घुसना चाहते हैं, ऐसा कहा। पीएम ने सभा में मौजूद लोगों से कहा कि ये युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं, पहले भी आपने मेरी बात मानी थी, जिसके चलते महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद होते हुए भी गुजरात इससे अछूता रहा था। पीएम मोदी ने कहा कि इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि ये नक्सलवादी विकास विरोधी हैं। भरूच के साफ पानी पीने की योजना तक में इन्होंने रोड़े डाले हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने आगे कहा कि ये नक्सलवादी मानसिकता वाले लोग अब ये अर्बन नक्सल नए रंग रूप के साथ घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कपड़े बदले हैं, उत्साही और उमंग वाले भोले भाले युवाओं को लुभा रहे हैं। बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों ने युवाओं को बंदूक थमा दी, आदिवासियों की जिंदगी चौपट कर दी। तब हमारे सामने चुनौती थी, तो मैं उमरगा से अंबाजी तक विकास किया। आज परिणाम यह है कि गुजरात में नक्सलवाद घुस नहीं पाया। पीएम मोदी आमोद के कार्यक्रम में रसायन और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर केंद्रित 8,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि गुजरात में कांग्रेस निष्क्रिय दिखती है, लेकिन वह चुपचाप गांव और कस्बों में जा रही है, लोगों को बीजेपी के खिलाफ वोट करने के लिए मनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेसियों से पूछिए कि क्या वे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी गए, बड़ा दिल रखिए और सरदार पटेल के स्मारक पर जाइए। आपको बता दें कि गुजरात में बीजेपी लगातार 6 चुनाव से सत्ता में है। विधानसभा चुनाव 2022 में हर पार्टी के लिए एक एक सीट बहुत ही अहम रखती है। गुजरात विधानसभा में कुल 182 सीट है और दिसंबर में यहां चुनाव होना है, लेकिन चुनाव में सियासी उठापटक के बीच आम आदमी के एंट्री से एक बार फिर अर्बन नक्सल शब्द कब्र से निकलकर बाहर घूम रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।